मशीन के पास बहुत सारे लोग खड़े थे, तो वहाँ पे जाने अलाउ नहीं था। और ये रहा पैसा हम इधर देखिए, और चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है कि सैलरी आया है और 7 महीनों के बाद से आया है। तो 7 महीनों के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज मैं जा रहा हूँ पहला पेमेंट लेने के लिए, और अभी इस समय गाँव में हूँ और चल रहा हूँ। तो रास्ते में मैंने वीडियो कंटिन्यू किया है, तो अभी हम लोग देखिए ये चल रहे हैं। और ये एक गली है, गली से होते हुए जा रहे हैं। और पहला पेमेंट कैसा आया, कैसे क्या हुआ, ये सारा प्रोसेस मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद से बताता हूँ। और ये इसके अंदर 2 ATM कार्ड है, और ये 1 ATM कार्ड साइड में, 3 ATM कार्ड है, क्योंकि अलग अलग बैंकों में पैसा है तो 2-3 लोगों का पैसा भी निकालना है। तो चलिए वहाँ पे दिखाता हूँ। और मेरा ATM कार्ड नया भी है, तो नए ATM कार्ड से पहली बार पैसा निकाल रहा हूँ। अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ था, तो उसका भी आज ओपनिंग हो जाएगा। तो आइए चलिए दिखाता हूँ और गांव का कुछ सीन दिखा देता हूँ। ये जो है ये प्राइमरी स्कूल का बाउंड्री है जो कि बनाया गया है। और यहाँ का ये सीन देखिए, दीवारों पे गोबर, जितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, मतलब ये कल्चर जो होता है, कल्चर वो होता है दीवारों पे। यहाँ पे वो जो हम लोग बोलते हैं उसको उपले लगाए गए यहाँ पे। आइए आगे दिखाता हूँ। और इस समय शाम का 7 बज गया है, और मौसम इधर देखिए, और चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है कि सैलरी आया है और 7 महीनों के बाद से आया है। तो 7 महीनों के बाद से जो सैलरी मिला उसके लिए खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी मैं आज तो नहीं, अभी सो जाऊंगा आज, और कल सुबह बैंक पे जाऊंगा और वहां से निकालूंगा, फिर आप सभी को बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दुकान ये किराना का दुकान है, जहाँ से हम लोग किराना खरीदते हैं, सामान किराना खरीदते हैं। और ये गांव का बीच सीन है, और इस गांव में ये पीले सांड बहुत ज़्यादा हैं, ये देखिए। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर, आगे दिखाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ी पे ऊँचा चढ़ना है, पर ऐसा नहीं है कुछ। और ये गांव में टाइल्स का कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है, क्योंकि यहाँ पे टाइल्स लोग बहुत पसंद करते हैं। और गांव ऐसे शहर के जैसे एकदम लगता है। ये देखिए कितनी ऊँची ऊँची बिल्डिंगें हैं, कैसे क्या है, बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि जैसे कि हम लोग गांव में हैं। और यहाँ पे देखिए ऑटो में सब्जी लेकर के कोई आया हुआ है, और कोई देखिए पिकअप से सामान आया है। और यहाँ की जो महिलाएँ हैं वो अधिकतर ज़्यादा काम करती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो अभी आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होता है, एक रेड कलर की साड़ी पहन के महिला जा रही थी सर पर अपने खैची लेकर के, दलिया लेकर के, जो भी बोलते हैं आपके लैंग्वेज में। तो यही सब है। अब ये देखिए आरओ वाटर वाला भी आ गया है, तो सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा एक हेयर सैलून का भी, गाड़ी के जस्ट पिकअप के जस्ट पीछे। ये हेयर सैलून का मैं बात कर रहा था, और अभी जिस महिला को दिखाया है उनकी मैं बात कर रहा था कि मतलब कि घर का अधिकतर सारा काम ये लोग करते हैं। और ये जो शंकर भगवान के दूत हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। देखिए हमको भी देख रहे हैं, मोबाइल में साइड कर लेता हूँ, नहीं तो अगर ठोक देगा तो ना रही बस ना बस। बात कर रहा था तो ये यहाँ पे अक्सर देखने को मिल ही जाता है कि ना करो। अभी हम लोग जा रहे थे तो अचानक से सामने मैं वीडियो देखता हूँ लद्दाख का या कहीं और का, तो वाटर क्रॉसिंग का सीन आता है। अभी यहाँ पर भी एक वाटर क्रॉसिंग आ गया है और हम लोग के जस्ट आगे है, तो मैं सभी को दिखाऊं। तो ये नाले का पानी है, लेकिन एक चीज़ बढ़िया है कि यहाँ पे थोड़ा सा ईंट वगैरह बिछा दिया गया है, तो पता नहीं चला, रुके बैक के। तो वाटर क्रॉसिंग तो है पर साइड में ये लगा दिया गया है, तो पता नहीं चलता है। अब इस पाइप के ऊपर देखिए कैसे ये जा रहा है, यहाँ पर लोग लग रहा है कैटरीना कैफ के बहुत बड़े फैन हैं। चारों तरफ जिस दुकान पे देखो पोस्टर में कैटरीना कैफ का ही फोटो लगा हुआ है। और जो बसें हैं यहाँ की, अभी पीछे देखिए कोई बस आ रही है, अभी नहीं आ रही है। बसेस में बहुत ज़्यादा तेजी के साथ आ रही है और जा रही है, रोड बहुत अच्छा है इसके वजह से। पीछे ATM दिखाई दे रहा है, HDFC बैंक ATM। हम लोग यहाँ तक आ गए थे, पर यहाँ पे आने के बाद से पता ये चला कि
अभी एक घंटे बाद एटीएम ओपन होगा। और जैसा कि कल रात को मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, तो उसमें मैंने सुबह में आने का ट्राई किया था, तो उस समय सुबह में 7 बजे में आ गया था। और इसमें यहाँ पे एटीएम कार्ड बंद है सारे, मतलब कि एटीएम मशीन बंद था। और यहाँ के पास में एक मंदिर है और मंदिर के पास कुआँ वगैरह बना हुआ है, तो आइए यहीं पे अभी आधा घंटा हम लोग अपने स्पेंड करेंगे। और इस मंदिर को मैंने, अगर आप सब्सक्राइबर हैं, तो एक बार दिखाया था, जो कि बहुत आवाज़ आ रहा था, जो पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा, वही पीछे वाला मंदिर का मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे मंदिर के पास में एक तालाब भी है और कुआँ भी है, तालाब और कुआँ दोनों दिखाता हूँ। लोकेशन तो बढ़िया है, पर देखिए यहाँ पर अभी हम लोग आधा एक घंटा वेट करेंगे, उसके बाद जाएंगे पैसा निकालने के लिए। और अभी हम लोग एक प्राइमरी स्कूल पे आए हैं गांव के, एटीएम के पास से एक प्राइमरी स्कूल जैसे कुछ दिखाई दे रहा था। मैं यहाँ पे आया, सोचा देखता हूँ कि कैसा लोकेशन क्या है, पर यहाँ पे आने के बाद से एकदम दिल को ऐसा सुकून मिल रहा है जैसे कि क्या बताऊँ। मैं क्रिकेट में बहुत खेलता था और क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, जैसे कि मैं हमेशा ड्रीम इलेवन पे भी लगाते रहता हूँ टीम, कभी कभी आपने देखा होगा यहाँ पे क्रिकेट हो रहा है। और देख के मन में इतना शांति मिला। पीछे से देखिए स्कूल, और ये स्कूल का अभी आगे का हिस्सा है केवल, ये इतना बड़ा फील्ड देखिए। और 3-3 पीपल के पेड़ हैं, एक ये वाला हो गया और एक ये साइड में हो गया, दूसरा जो है ये दिखाई दे रहा होगा। और बहुत सारे पेड़ हैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ मैं तो। और यहाँ पे क्रिकेट हो रहा है, एकदम मन मतलब कि खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा देख करके। और भैया आ गए, एक उत्तर प्रदेश का हम लोग का गांव रहता है, तो वहाँ पे स्कूल इतना छोटा होता है, तो जितना भी फील्ड है पूरा स्कूल हो जाता है। और यहाँ पे फील्ड देख, कितना बड़ा फील्ड लग रहा है कि केवल अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, अभी पूरा बाउंड्री देखी केवल, ये चारों तरफ मैं दिखा रहा हूँ, कितना बड़ा ग्राउंड इसमें है। और ये नेट खेलने के लिए लगाया गया है, देखिए रन मार रहे हैं सारे लड़के यहाँ पे, हर लड़के देख रहे हैं यहाँ पे। और एकदम मतलब कि याद ताज़ा हो जा रहा है क्रिकेट देख करके, मन बहुत करता है खेलने को, लेकिन हम लोग अब यहाँ पे कमाने आ चुके हैं, तो खेलना एक तरह से छूट गया है, पर फिर भी मन तो करता है कि काश में भी खेलता है, मज़ा आता था गाँव में क्रिकेट खेलता था तो। आप देखिए धीरे धीरे डिजिटली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल कक्षा है देखा गया है। देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, मैं पास से निकल कर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ चाहिए। और यहाँ पे सारे लोग अपने भैंसों को ला के नहला रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे आप देखेंगे तो दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए स्कूल का कोड, सारा चीज़ डिजिटल कक्षा, इसका मतलब इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई वगैरह जो भी होता है वो होता होगा। और ये पूरा स्कूल का सीन देखिए, ठंडक पूरा मौजूद, मज़ा आता होगा यहाँ पे। तो अभी जो लोग पीछे क्रिकेट खेल रहे थे यहाँ पे, तो इसको देख के मेरे को एक बात याद आ गया है कि इस समय हम लोग की तरफ गेहूँ की कटाई हो गई रहती थी, और खेत में ही एक फील्ड बनता था और उसी में हम सारे लोग खेलते थे। तो एक बार मूड रिफ्रेश हो गया मेरा, आइए चलते हैं एटीएम से पैसा निकालते हैं, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। धूप पड़ रही है और इतना दिनों के बाद से आज मैं एक गाड़ी देख रहा हूँ, और वो भी अपाची है 220 cc की। तो कैश विड्रॉल कर लिया हूँ, और एटीएम मशीन के पास बहुत सारे लोग खड़े थे, तो वहाँ पे जाने अलाउ नहीं था। और ये रहा पैसा, और केवल कुछ ही मतलब कि पैसा निकाला हूँ, पूरा पैसा नहीं निकाला हूँ। अभी मैं रूम पे अच्छे से लेकर के सारा दिखाता हूँ और बताता हूँ, तभी रास्ते में हूँ। रास्ते में दिखाना रिस्क हो सकता है, रास्ते में रिस्क हो सकता है, तो रूम पे चल के अच्छे से पूरा दिखाता हूँ और सबको बताता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पे मैं पानी पी लूँ, जरा आर ओ का प्लांट लगा हुआ है, पानी पी लेते हैं पहले हम लोग। निकाल के वापस आ गए, और औरैया के लैंग्वेज में पैसा को पैसों, या हरियाणा में पैसा को पैसों बोलते हैं। तो अभी रूम पे चल रहा हूँ, और इधर से ही मैं गया था, तो इधर से ही वापस भी आ गया हूँ। आइए रूम पे चलता हूँ और दिखाता हूँ सारा। तो अभी मैं पैसा लेके रूम पे आ गया था, और अपने मकान मालिक को पैसा दे दिया, और इधर तो बहुत तेज़ है,
सीढ़ियों पे बैठ जाता हूँ। और यहाँ पे हमारा ये वीडियो ये एंड हो रहा है, और जो फर्स्ट पेमेंट आया था, जो भी जितना भी आया था, तो वो मैं अभी आप लोगों से बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने और कुछ भी सोचा है पैसों से। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन क्रिकेट का फैन है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। और पेमेंट आया है तो इसके लिए मेरे पास 3-4 कूपन कोड बचा हुआ है, क्योंकि मूवी वाउचर से रिलेटेड बहुत कुछ सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है गाना से रिलेटेड करके। किसी को चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकता हूँ, जो वाला आपको हाई लिख करके भेजना है तो हाई लिख करके जरूर भेजिएगा।